If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, hello everyone, and today in this video I will discuss one very important thing related to CCMN काउंसलिंग। तो CCMN काउंसलिंग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स आ रहे हैं जो CCMN काउंसलिंग रिलेटेड है एंड स्टूडेंट्स के फेवर में है। तो जो जो स्टूडेंट्स CCMN काउंसलिंग कर रहे हैं, IIT JAM स्टूडेंट्स हैं 2021 का, तो हर दिन ये ऑफिशियल वेबसाइट फॉलो करना, तो इसका रिलेटेड जो जो अपडेट्स आएगा तुम्हें मिस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट एक्सटेंडेड अप टू जुलाई 1 थर्सडे 5 PM तक। मतलब ये दिया है कि आज मतलब 28 जून तक, पहले क्या था कि लास्ट डेट था 28 जून 5 PM तक तुम्हें फॉर्म फिलिंग एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट था, लेकिन CCMN काउंसलिंग ने देखा कि और 3 दिन एक्सटेंड कर देते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो 3 दिन एक्सटेंड हो गया और भी, तो जुलाई 1 तक तुम्हारा लास्ट डेट है। जुलाई 1 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट का 5 बजे तक, उसके पहले तुम्हें फॉर्म फिलिंग करना है एंड चॉइस फिलिंग एंड तुम्हारा जो पेमेंट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो नीचे जो ऑप्शन है लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट एक्सटेंडेड अप टू जुलाई 1 5 PM तक, ठीक है। तो मैक्सिमम केस में यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन बार में जो PDF आएगा यहाँ पर तुम चेक कर सकते हो क्या नोटिस और नोटिफिकेशन आया है स्टूडेंट्स के पेपर में। तो यहाँ पर वही लिखा है, ड्यू टू रिक्वेस्ट फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट इज एक्सटेंडेड अप टू जुलाई 1 5 PM तक। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये किया था कि ऑफिशियल वेबसाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, इसके वजह से एक्सटेंड करने के लिए, मतलब रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट और चॉइस फिलिंग के लिए, तो CCMN ने ये हेल्प किया स्टूडेंट्स को एंड इसका जो लास्ट डेट 3 दिन एक्सटेंड कर दिया। और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट पोर्शंस है, तुम मतलब बहुत सारा स्टूडेंट्स ने कमेंट कर रहा था कि ये जो लॉक करने का जो ऑप्शन, चॉइस फिलिंग स्टेटस में जो लॉक करके जो ऑप्शन है वो क्या करना है, लॉक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो तुम्हारे सारे पहले क्या करना है, फॉर्म फिलिंग करना है, चॉइस फिलिंग मतलब पेमेंट करना है, उसके बाद चॉइस फिलिंग करना है, उसके तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं तुम्हारे पास, मतलब जो जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसको चूज़ करना है, ठीक है। चूज़ करने के बाद एक इंपॉर्टेंट थिंग कि लॉकिंग का ऑप्शन, तो तुम्हारे पास वो लॉकिंग का ऑप्शन आ रहे हैं तो लॉक कर दो, अदरवाइज अभी तो डेट एक्सटेंड हो गया, जुलाई 1 के बाद मतलब लास्ट डेट के बाद ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए कोई चिंता नहीं है, तुम लॉक खुद से भी कर सकते हो, अदरवाइज लॉक हो जाएगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस जो जो स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं किया, हरी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा जल्दी में करना है ये सब, और भी 3 दिन टाइम तुम्हें एक्स्ट्रा मिल गया तो फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। सो दैट्स ऑल। सो इफ़ यू गेट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, दैट कैन हेल्प योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड keep some important information and updates also. So thank you for watching. See you in the next video.